अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने 20.6 के क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, 2 किए हैं और 3 किए हैं, उनके पार्ट्स भी थे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 20.6। ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, क्यूबिकल है या बायक्वाड्रेटिक है? तो इसका जवाब आएगा ये इक्वेशन जो है ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है और क्यूबिकल इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1, एक रूट तो इन्होंने दे दिया 1 है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालो और इसके अलावा मज़ीद जो दो रूट्स हैं वो भी निकालो। देखिए मज़ीद जो दो रूट्स हैं वो तो आप निकाल लेंगे, वो अभी हम निकाल भी देते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये नई चीज़ है, इसको हम ये भी देख लेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखें एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज गिवन क्यूबिक इक्वेशन हैविंग 1 रूट इज इक्वल्स टू 1, एक रूट दिया हुआ जो कि 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कौन सा मेथड यूज होता है, वैसे ही क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कि हम इस तरह बनाएं और अंदर जो है कोफिशिएंट लिखें। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स क्यूब के साथ क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस 3 ए है, याद रखिएगा, एक्स के साथ माइनस 1 और लास्ट में 6, डिवाइड करना है किससे, एक ही रूट है जो है 1। अच्छा जी, पहली वाली चीज़ एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब ये दोनों माइनस थोड़ी हो सकता है क्योंकि इसके साथ ए थोड़ी है, तो कैसे लिखें इसको, तो पहले तो सवाल देख लेते हैं, सही है सवाल हमारा, सही है बिल्कुल, क्वेश्चन सही है, 1 दिया हुआ। अब क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज लिख दें 1 माइनस 3 है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 3 ज़ा 3 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कैंसिल होगा, कट गए, तो खाली क्या रह गया, माइनस 3 ए रह गया, गॉट इट। अब 1 को 3 ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 3 ए। क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 6 माइनस 3 ए, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो हो गई। अब पहले हम ए की वैल्यू नहीं निकालते, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बल्कि पहले ए की वैल्यू निकाल लें तो अच्छा हो जाएगा, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखें देखें, ये कह रहे हैं ना, इस पूरी इक्वेशन का रूट है 1, 1 का मतलब ये है कि 1 अगर यहाँ एक्स की जगह पुट करें तो तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। 1 जो है पूरी इक्वेशन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा 1 तो आखिर में रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 6 माइनस 3 ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब 1 जो है हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसका रूट है, सिंस 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरी चीज़ को 0 के बराबर ले लेंगे, 6 माइनस 3 ए इज इक्वल टू 0, 3 ए माइनस हो रहा है वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, 3 ए ऐसे हो गया और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/3, ए की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो भाई ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हाफ पार्ट क्वेश्चन का कम्प्लीट हो गया। अब क्या करें हम, अब हम मज़ीद दो रूट्स निकालेंगे, याद है ना क्या लिखते थे हम, जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जर्नल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
हमारे पास ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू ये 1 है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 1-3a है। एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू -3a है। सही है, अब यहाँ ज़रा पुट कीजिए, 1 की जगह तो छोड़ दें तो खाली आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह आएगा 1-3a और यहाँ आ जाएगा x, और सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह आएगा -3a इज इक्वल टू 0। तो कुछ मुश्किल इसकी इक्वेशन लग रही है, इसको आसान बनाने के लिए क्या क्या करें, ये जो a की वैल्यू 2 आई है ना इसको यहाँ पुट कर दें तो देखिए अब कितना आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1-3 एज इट इज़ a की जगह 2 आ गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये x एज इट इज़ प्लस, अच्छा जी यहाँ क्या होगा, -3 एज इट इज़ a की जगह आ जाएगा 2। ये अब हमें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा जी प्लस 1-3, 1-6 क्या होता है, 1-6 होता है -5, अच्छा जी -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -6, ये आ गया ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह बच गई है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस माइनस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, अब हमें यहाँ मिडिल टर्म लगा के दो रूट्स मजीद निकालने हैं, तो आपको पता है 6, बल्कि ये देखें लास्ट नंबर 6 है, शुरू का नंबर 1 है, तो अब फैक्टर बनाने हैं इसके, कैसे करें, अब देखें 6 किस टेबल में आता है, 6 आता है 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 3 ज़ा 6 होता है, क्या 2 और 3 माइनस करने पे 6 बनते हैं, अभी देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 और 3 माइनस करने पे 5 बनता है, बिल्कुल बनता है, देख लेते हैं, ये 2x और ये 3x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे कौन से साइन लगाएं कि -5 बने, यहाँ पे दोनों में कहाँ लगेंगे, दोनों में माइनस साइन लगेंगे तब जाके ये -5 बनेगा। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिएगा हम ये सही नहीं कर रहे, हम ये गलत कर रहे हैं, कैसे, बज़ाहिर तो लग रहे हैं हमें ये फैक्टर बन गए, अब ज़रा लें कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 2 रह गया, यहाँ से कॉमन आ गया 3, यहाँ आ गया x माइनस माइनस प्लस और ये 2। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमने फैक्टर बनाए तो हैं लेकिन सही नहीं बने फैक्टर। अब मिटाते हैं इसको, अब देखते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा बनता है, 6 और किस टेबल में आता है, 2 3 6 तो कर लिया, 6 1 भी तो 6 होता है स्टूडेंट्स, याद है, तो ये हो जाएगा 6x और 1x, 6 1 भी 6 होता है, -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस का 5 चाहिए तो 6 के साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, अब ज़रा देखिएगा दोनों ब्रैकेट इंशाल्लाह सेम आएंगे, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, देखें x -6 आ गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x -6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट में हम क्या करते हैं, मार्कर कहाँ गए, इसको मैं ग्रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, अब देखें स्टूडेंट्स इधर और मैं कर रहा हूँ, इधर x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, तो टोटल 3 रूट्स आ गए, तो लिखेंगे हम थस द रिमेनिंग 2 रूट्स आर 6 एंड -1 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया।